टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वाति एंड अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो मैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। एंड आज की वीडियो आई थिंक काफ़ी ट्रेंड में चल रहे पाकिस्तानी कुर्ता सेट्स, एंड मैंने ऐसी कोई हॉल की भी नहीं थी अपने चैनल पे, तो आई थॉट कि एक पाकिस्तानी कुर्ता सेट हॉल करके देखते हैं एंड परचेज करके देखते हैं कैसे लगते हैं मेरे ऊपर। एंड आई एम टोटली इन लव विद दैम, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। पाकिस्तानी कुर्ता सेट ऑब्वियसली हम सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, बट जब मैं सर्च करती हूँ ना, मोस्ट ऑफ अनस्टिच मिलते हैं मेरे को, या तो सेमी स्टिच होते हैं, उनकी अल्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ती है, या फिर अनस्टिच मटेरियल मिलता है अमेजोन पे, मीशो पे, मोस्ट ऑफ पे मेरे साथ ऐसा हुआ था। सो मैंने अगेन काफ़ी सर्च किया तो कुछ मेरे को अमेजोन पे मिल गए, कुछ मेरे को वेबसाइट्स पे मिल गए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, काफ़ी डिसेंट प्रोडक्ट्स हैं। मतलब जैसा हम सबको पता ही है पाकिस्तानी कुर्ता सेट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ऐसे नहीं है 400-500 में हमको पाकिस्तानी कुर्ता सेट्स मिल जाएंगे, बट डालने के बाद काफ़ी प्यारे लग रहे थे। एंड पाकिस्तानी कुर्ता सेट थोड़े से लूज होते हैं, स्ट्रेट फिट होते हैं, एंड वाइट वाइट डिटेल्स होती हैं, लेस दी होती है, तो ओवरऑल काफ़ी प्यारे लगते हैं डालने के बाद। एंड ऐसे ही मैंने ट्राई किया है कुछ कुछ परचेज करने का, लुक में जो वैसे ही लगे एग्जैक्ट जैसे पाकिस्तानी कुर्ता सेट्स होते हैं, थोड़े से लॉन्ग हो गए, थोड़े से स्ट्रेट फिट हो गए। सो या स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो। एंड मैंने जैसा बताया अलग अलग मैंने परचेज किए, कुछ अमेजोन से, कुछ वेबसाइट से, किसी ब्रांड वेबसाइट से, तो हर एक मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये मैंने कहाँ से परचेज किया। सो ये फर्स्ट जो मैंने परचेज किया है ये अमेजोन से परचेज किया, एंड इट्स ब्लैक एंड वाइट, एंड ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन इज लाइक रॉयल, हर टाइम चलेगा, कभी भी ये आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाला है। एंड लुक एट दी कुर्ता सेट, ये इसका कुर्ता दिया गया है ऑल ओवर, इस पे वाइट थ्रेड का वर्क दिया गया है, एंड ये इसकी स्लीव्स दी गई हैं, स्लीव्स पे भी अगेन आगे की साइड वाइट, ये इतना ब्रॉड लेस सी दी गई है, एंड बाकी वैसे सेम रखा गया है। एंड इसका नेक लाइन एज यू कैन सी, एंड डालने के बाद आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। एंड इसमें नीचे की साइड ये बॉर्डर दिया गया है, एंड इसका जो प्लाजो है वो भी काफ़ी प्यारा दिया गया है, प्लाजो में भी नीचे की साइड ये लेस डिटेल दी गई है, ओवरऑल प्लेन एंड नीचे लेस, तो स्ट्रेट फिट प्लाजो होंगे आई थिंक मोस्ट ऑफ सभी के, स्ट्रेट फिट या फिर थोड़े से वाइड प्लाजो होंगे। एंड जो दुपट्टा दिया गया है इतना प्यारा है, आप देख ही सकते हैं डालने के बाद कितना प्यारा एंड डिसेंट लुक दे रहा था। एंड जो इसका कुर्ता दिया गया है उसमें अंदर की साइड लाइनिंग दी गई है, जो लाइनिंग का फैब्रिक है काफ़ी अच्छा है, तो ब्रेथेबल है। एंड इसका प्राइस अराउंड 1017 रुपीज़, मतलब 1000 के आसपास ही था। एंड ओवरऑल ये डालने के बाद कुर्ता सेट काफ़ी प्यारा लग रहा था, बिल्कुल ऐसे रॉयल वाइब दे रहा था मेरे को। आपके पास वाइट पर्ल स्टडीड ईयरिंग्स हैं या फिर स्टोन के वाइट ईयरिंग्स हैं, उनके साथ आप पेयर कर सकते हो, काफ़ी काफ़ी प्यारे लगने वाले। ये कुर्ता सेट तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना, मतलब मज़ा ही आ गया इस कुर्ता सेट को देख के। तो मुझे इसकी जो डिटेल्स दी गई हैं काफ़ी काफ़ी प्यारी डिटेल्स दी गई हैं, लुक एट दिस, ये इसका नेक दिया गया है, एंड नीचे की साइड इसमें यहाँ पे ये कट दिया गया है, लुक एट दिस, एंड फिर पूरे पे ये वाइट कलर की लेस दी गई है, काफ़ी प्यारा लग रहा था डालने के बाद, तो मज़ा ही आ गया इसको। एंड ये इसकी स्लीव्स दी गई हैं, लुक एट दिस, स्लीव्स का भी जो पाकिस्तानी पैटर्न होता है नीचे जाने के बाद थोड़ा सा फ्लेयर जो आता है एग्जैक्ट वैसा ही दिया गया है। बैक साइड पे भी वर्क दिया गया है, लुक एट दिस, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पूरे पे ये वर्क दिया गया है, लेस का ये वाइट थ्रेड्स का जो भी वर्क है, पूरा कुर्ता इतना हैवी, मतलब पहन के ही ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी एक्सपेंसिव पीस पहन के, बोल रही हूँ देख के ही बिल्कुल ऐसा लगता है काफ़ी एक्सपेंसिव पीस डाला हुआ है। एंड इसके साथ प्लाजो नहीं दिया गया है, इसके साथ है ये स्कर्ट विच इज दिस, काफ़ी अच्छा फ्लेयर है, एंड इस स्कर्ट में अंदर की साइड है ना ये लाइनिंग दी गई है, एंड नीचे ये मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते, बट काफ़ी स्टर्डी सा फैब्रिक दिया गया है सो दैट स्कर्ट पे थोड़ा सा फ्लेयर दिखे, तो ओवरऑल वैसे ये देखने में लगता है कि आपने वाइड प्लाजो डाला हुआ है, बट ये एक स्कर्ट है इसके नीचे। एंड इसका दुपट्टा थोड़ा सा सिंपल रखा गया क्योंकि कुर्ता काफ़ी हैवी है, बट पूरे दुपट्टे में ये वाइट कलर की लेस दी गई है ऑल ओवर दुपट्टे में, लुक एट दिस, तो डालने के बाद ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। एंड अगेन इसको भी आप वाइट कलर के इयररिंग्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। इसका प्राइस जैसा मैंने बोला थोड़ा सा हाई है, विच इज़ अराउंड 2000 के आसपास, बट टोटली वर्थ इट, मतलब अगर आप इस पे इन्वेस्ट करोगे ना 2000 रुपीज़,
पूरे वसूल होने वाले हैं तो आपके। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है वारांदा की वेबसाइट से। ये इससे पहले वाला जो मैंने दिखाया वो लिबास से था, एंड ये मैंने परचेज किया है वारांगा से। वारांगा के भी कुर्ता सेट्स काफी अच्छे होते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी होती है। एंड इसमें मैंने साइज परचेज किया है स्मॉल, एंड ये डार्क मरून कलर में है। एंड डार्क मरून पे ये व्हाइट कलर का वर्क दिया गया है, एंड इसका फैब्रिक काफी ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। एंड इसकी स्लीव्स पे भी ये व्हाइट कलर का वर्क दिया गया है। एज यू कैन सी काफी फाइन वर्क है, एंड इसकी भी लेंथ काफी डिसेंट सी है। इस पे नीचे ये प्लेन दिया गया है, सिर्फ नेक लाइन पे एंड स्लीव्स पे वर्क दिया गया है। एंड प्लाजो ऑल ओवर ऊपर से तो प्लेन दिया गया, बट नीचे जाने के बाद एज यू कैन सी ये लेस डिटेल दी गई है। एंड इसका जो दुपट्टा दिया गया है वो भी मरून दिया गया है, बट दुपट्टे में भी अगेन व्हाइट कलर की लेस डिटेल दी गई है। एज यू कैन सी व्हाइट कलर की पूरे पे लेस डिटेल दी गई है, एंड दुपट्टा पूरा अच्छा खासा चौड़ा दुपट्टा दिया गया है। डालने के बाद भी ये कुर्ता सेट काफी प्यारा लग रहा था, काफी रॉयल वाइब दे रहा था। एंड मुझे पर्सनली ऐसे कलर्स काफी पसंद है, डार्क मरून कलर एंड ग्रे कलर, ऐसे कलर्स मुझे काफी पसंद है। सो या हाईली रिकमेंड दिस ऑल्सो। ओके नेक्स्ट मैंने परचेज किया है वो थोड़ा सा ग्रे कलर में है, बट इसपे काफी अच्छा फाइन वर्क दिया गया है। लुक एट दिस। एंड ये भी मैंने अगेन वरंगा ब्रांड से ही परचेज किया है, एंड इसमें यू नो मेरा साइज है स्मॉल, एंड इसका प्राइस है अराउंड 1700 के आसपास। बट इस पे जो ये वर्क दिया गया है एज यू कैन सी काफी प्यारा वर्क दिया गया है, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी दी गई है, एंड बिल्कुल भी इचीनेस नहीं दे रहा है। एंड इसमें भी अंदर की साइड इनर फैब्रिक दिया गया है, लुक एट दिस। एंड नेक पे जो डिजाइन दिया गया है यही सेम लेस जो है वो नीचे तक जाती है इस पे पूरे ऑल ओवर तक, इसकी वजह से ये मुझे काफी पसंद आया था एंड काफी प्यारा भी लगता है डालने के बाद। एंड इसका जो प्लाजो दिया गया है वो भी सेम ग्रे कलर का दिया गया है, एंड प्लाजो पे भी नीचे सेम वही पैटर्न दिया गया है जो कुर्ते पे दिया गया है, एग्जैक्ट वही डिटेल्स दी गई हैं। एंड इसके साथ दुपट्टा दिया गया है वो है रेड कलर का, विच इज दिस। एंड दुपट्टे पे ये गोल्डन इस पे लेस दी गई है ऑल ओवर, तो ये वेडिंग अप्रोप्रिएट भी है। एज यू कैन सी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है ग्रे एंड रेड का। तो ओवरऑल ये कुर्ता सेट भी डालने के बाद काफी प्यारा लग रहा था। अगर आपको काफी क्लासी पीस चाहिए कोई वेडिंग के लिए या वैसे भी किसी फंक्शन के लिए तो आप ये परचेज कर सकते हैं। काफी प्यारे डिसेंट डिजाइन्स हैं जो जो भी मैंने अभी तक दिखाए हैं। ओके नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया वो अमेजोन से परचेज किया है, एंड इसका कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, एंड ऐसा कलर मिलना काफी रेयर होता है, विच इज दिस। काफी प्यारा इसके ऊपर ऑल ओवर ये व्हाइट इस पे एम्ब्रॉयडरी दी गई है पूरे कुर्ता पे नीचे तक, बैक साइड प्लेन दिया गया है इसका, बट आगे पूरे कुर्ते पे ये एम्ब्रॉयडरी दी गई है व्हाइट कलर की, एंड स्लीव्स पे भी सेम यही एम्ब्रॉयडरी दी गई है। व्हाइट एंड गोल्डन का इस पे यू नो एम्ब्रॉयडरी दी गई है, एज यू कैन सी सीक्वेंस गोल्डन कलर की यूज की गई है। एंड इसका जो प्लाजो है वो प्लेन दिया गया है, बिल्कुल उस पे कोई भी वर्क वगैरह नहीं है। बैक साइड में इलास्टिक दिया गया है एंड आगे की साइड प्लेन दिया गया है, एंड ये वाइड प्लाजो दिया गया है इसका। लुक एट दिस, नीचे जाने के बाद थोड़ा सा वाइड हो जाता है ये। एंड इसके साथ दुपट्टा दिया गया है, ये दुपट्टा काफी यू नो हैवी है, थोड़ा सा लेंथ वगैरह काफी अच्छी दी गई है इसकी। एंड इसमें भी अगेन ये लेस डिटेल्स दी गई हैं, लुक एट दिस, चारों साइड इस पे लेस दी गई है ये व्हाइट कलर की। तो डालने के बाद ये कुर्ता भी काफी प्यारा लग रहा था, काफी रॉयल लग रहा था, एंड ये कलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो दैट्स वाई मैंने इसको परचेज किया था। एंड एग्जैक्ट जैसा दिखाया था वैसा ही मेरे को मिला है, एंड इसका प्राइस भी अगेन थोड़ा सा हाई था, अराउंड 1400 के आसपास। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। इसमें मैंने साइज परचेज किया है स्मॉल, मुझे काफी अच्छे से फिट आया, मतलब फिट मेरे को फिटेड तो चाहिए ही नहीं थे, स्ट्रेट फिट चाहिए थे। तो ओवरऑल डालने के बाद ये कुर्ता सेट भी काफी प्यारा लग रहा था, एंड पाकिस्तानी कुर्ता सेट्स तो हर किसी पे आई थिंक प्यारे लगते ही हैं। सो या दैट्स इट फ्रॉम टुडेज हॉल। आई होप आपको मेरी ये हॉल पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में जरूर बताना इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है एंड कौन सा प्रोडक्ट आपको काफी प्यारा लगा, यू नो काफी पाकिस्तानी वाइब दे रहा था इन सभी में से। तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं डेफिनेटली आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड रिप्लाई भी जितना हो सकता है उतना करती हूँ। बाय बाय।